मंडी का नहीं, अभी कपड़े वपड़े पूरे कपड़े देखो आप, पूरे पुराने कपड़े दे देते हो, पहनते नहीं ठीक देते, पैसे होना है लोग कुंडी बनाए अस्सलाम वालेकुम, रॉयल कॉलोनी से मैं बात कर रही हूँ, शाहीन बेगम। यहाँ पे जो बर्मा वाले हैं हमको इतनी तकलीफ दे रहे हैं, कोई हमारे ऊपर स्टेप नहीं ले रहे हैं। कमिश्नर साहब को भी जाके कंप्लेन करी मैं झोपियाँ उठाने के लिए, तो एक बार उठा दिए, फिर दूसरी बार डर रही। ओनर आके हमारे ऊपर, हमारे आदमियों पे, बच्चों पे रिवर्स होके केस करना चाह रही। फिर ऊपर से उन लोग लाइट की इतनी तकलीफ दे रहे हैं हमारे को, हम अगर लाइट का बिल नहीं बने तो चालान डाल रहे हैं। उन लोग दिन रात 24 घंटे अकोड़ियाँ डाल के लाइट जला रहे हैं और बेपर्दगी कर रहे हैं, औरतों के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। यहाँ पे दिन रात ड्रिंक, गांजा, ये अफीम, ये चीज़ें चल रहे हैं। हमारे बच्चों पे स्टेप हो रहा, माहौल ख़राब हो रहा हमारे बच्चों का। सुने, कोई लीडर से आने के ऐसे हम जाके कंप्लेन करें तो बोले आ रहे हैं, देखते बोल रहे हैं, कोई आ रहे नहीं, पूछ रहा नहीं। बस्ती को लावारसियों से बदतर बना दिए, बरसी बस्ती को ये बर्मा कॉलोनी बना के छोड़ डाले आप लोग, रॉयल कॉलोनी जाके। सुने, हर कोई बर्मा कॉलोनी से बोले तो हमको आज ऑटो मिल रहा सिटी में, नहीं तो हमको वो नहीं मिल रहा। आकर क्या है इसका मकसद, कोई स्टेप ले रहा ही नहीं, आ रहे नहीं, बच्चों के रिश्ते नहीं आ रहे हमारे को, हर चीज की प्रॉब्लम हो रही है बर्मा वालों की वजह से। ये जो भी कर रहे हैं, आसिफ सर को बुलाइए, आसिफ सर को बिठा के आप लोग बात करिए। हर लीडरों के लिए हम गुजारिश कर रहे हैं कि हमको जो तकलीफ है वो तकलीफ दूर करिए आप लोग। हर बस्ती में कचरा गंदगी इस कदर डाल दिए, डेंगू से बचने के लिए हम यहाँ तक मेहनत करें, करोना आया, करोना से बचने करें। आज हमारे घरों के सामने पूरा सप्लाई कंपनी का सामान लाके, स्क्रैप का सामान लाके डाल दे रहे हैं। भाव बोले तो हम लोग कैसा रहेंगे, भाव बेटियों को लेके आप लोग सोचिए थोड़ा तो भी, और औरत की, लेडीज की तो कुछ इज्जत ही नहीं रख रहे इन लोग। सुने, बहुत गलत सलत काम हो रहे हैं, हमारे घरों के भाव बेटियों पर असर पड़ा। उन्हें आप लोगों को गुजारिश है कि आप लोग कोई आके स्टेप लीजिए बस्ती में, ये नहीं कि हम बोल दे रहे हैं आप लोग सुन के जैसा खामोश बैठ जा रहे हैं। अगर आप लोग कुछ नहीं कर सके आवाम का, तो आवाम के हालत पे छोड़ दीजिए, जैसा भी है हम लोग फिर देख सकते, वो भी हम भी बाबरी मस्जिद का किस्सा हुआ, कई वो बच्चे शहीद हुए हमारे, कोई हम लोग देश छोड़ के नहीं गए, जो इन लोग देश छोड़ के यहाँ पे आके हमको जो तकलीफ दे रहे हैं, हमारे मुसलमान कोई भी मजहब का भाई नहीं गया यहाँ से। हर बस्ती का कचरा, हर वो बस्ती का कचरा लाके हमारी बस्ती में डाल रहे हैं, पूरे तालाब में। हर वो लीडर आता, खाली एमएलए साहब आते, हाँ ये करते वो करते, खाली देके तसल्ली दे रहे हैं, अपने काम कर रहे हैं, निकल के चले आ रहे हैं भाई। जब जी रहे हैं आवाम के ऑडियंस से, तो आवाम को नहीं पूछ रहे तो फिर फायदा क्या हम लोग इनको पूछना, ख्याल करना इनका। तालाब का जायजा भी नहीं ले रहे, कोई आज तक तालाब से तकलीफ नहीं है। बर्मा वाले आके कचरे डाल के तालाब से हमको आज वो भी तकलीफ दिए। कचरा निकला तालाब में से, और जो ओनर है वो ओनर हमारे आदमियों को, बच्चों को डरा रहे, धमका रहे कि हमारे पास केस करते, कोर्ट में खींचते बोल रहे हैं। या हमारे को जब ये करना चाह रहे हैं तो प्रॉपर्टी के रेडम बढ़ा के छोड़ दी उन लोग। आज पड़ोस का नहीं सोच के गैर मुल्क के आदमियों का साथ दे रहे हैं, आखिर ये वजह क्या है इसके? सुने, आप मालूम करना है हमारे को भी, बल्कि इसलिए आज ये स्टेप लिया। आप लोग आइए, आके कोशिश करिए।